वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, उसकी डिफिनेशन लिखवाए थे। देन आज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, पीछे साइड आप लोग को में भी आवाज आ रहा होगा, मीठू चिल्ला रहा है, हमारे घर में एक पैरट है वो चिल्ला रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया, ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, ठीक है, कि एग्जिट करता है या नहीं करता, कैसे करता है, सिमल्टेनियस लिमिट प्रूव करने सिखाए थे। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसको बोला गया इज नॉट अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है किस पे, जीरो जीरो पे, मतलब एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो साथ में करते हैं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये प्रूव करना है। एंड बट क्या बोला, बट दैट द फंक्शन, सेम यही फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस होगा, x अलोन और y अलोन, मतलब x अकेला जाएगा तो y अकेला जाएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, बट दोनों साथ में करेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। ओके तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा, वी हैव गिवन जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन 2015 में पूछा गया, ठीक है। वी हैव गिवन given function, क्या function दिया हुआ है, f of x y this equal to x y cube and x square y to the power 6, ठीक है। and x यहाँ जो होगा वो क्या होगा, not zero, यहाँ भी जो है y वो भी zero नहीं हो सकता है, but क्या दिया हुआ है, and करके लिखा हुआ है ना, and f of 0 0 जो है this is equal to 0, मतलब f of x y एक साथ होगा तो वो हमारा 0 होगा, ठीक है। x tends to 0 y tends to 0, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है जो कि हम लिख दिए, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंस वी हैव ये दिस वन आल्सो लिखा हुआ है, वी हैव टू सो दैट, हमें क्या दिखाना होगा, टू सो दैट दिखाना क्या होगा पता है, कि इज नॉट अ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्रूफ करना होगा कि सिमल्टेनियस लिमिट ये एग्जिट नहीं करता, सिंपल दिखा देंगे ना, क्योंकि सिमल्टेनियस और कंटिन्यूअस का कल हम रिलेशन बताए थे, ठीक है। अगर सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिट करता है तो कंटिन्यूअस, सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिट नहीं करता तो ये नॉट कंटिन्यूअस है, तो मतलब सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो लिखेंगे वी हैव टू सो दैट सिमल्टेनियस लिमिट जो होगा, द सिमल्टेनियस लिमिट लिमिट नॉट एग्जिट, ये दिखा देते हैं, ठीक है, सिमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉट लेट, इसमें क्या था कि दो पाथ लेके चले थे, एक्स एंड वाई का वैल्यू मान के ना, तो वाई इक्वल टू एक्स पहले माने थे एंड एक्स इक्वल टू वाई क्यूब सेकेंड पाथ माने थे, ठीक है। दो पाथ अगर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आ जाते हैं तो नॉट एग्जिट होता है। तो लेट हम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या x मान लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू x दिस फंक्शन, देन वी हैव वी गेट, सॉरी हैव नहीं वी गेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है f ऑफ x y, तो दिस वन क्या होगा हमारा, y की जगह पे x माने हैं तो x, y की जगह पे x x क्यूब हो जाएगा, दिस वन यहाँ पे x स्क्वायर है एंड यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये जो टर्म हमारा बन रहा है वो किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो मतलब लिमिटिंग जो होगा वो x का चलेगा, तो x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो, तो y का वैल्यू ले लें तो लिमिटिंग एक तो चलेगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 एंड यहाँ बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6, ठीक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन आउट कर सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये लिखते हैं x टू द पावर 4 एंड यहाँ पे x स्क्वायर तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर y में यहाँ 1 प्लस x टू द पावर 4 एंड अब लगाते हैं लिमिट, क्या होगा x टेंस टू 0 होगा, है ना, एंड f ऑफ x y, तो f ऑफ x x y की जगह पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है, बोल सकते हैं x स्क्वायर y में 1 प्लस x टू द पावर 4, ये आ चुका है, ठीक है। देन तो यहाँ रिजल्ट देख रहे क्या होगा, x टेंस टू 0, जैसे यहाँ 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन आल्सो ये पूरा कंप्लीटली 0 बन जाएगा,
ठीक है, तो जीरो हमारा वैल्यू आ गया जब हम वाई इक्वल टू एक्स माने तो, ठीक है। देन अब मानेंगे क्या, अब मानेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू वाई क्यूब, दिस वन सेकेंड पार्ट मानेंगे, ठीक है। इसे हम इरेज कर दें, इरेज कर रहा ऊपर, ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकेंड सेकेंड लिखेंगे अगेन, लेट क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू जो होगा y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। y क्यूब बी द पाथ लिख सकते हैं, बी द पाथ टू अप्रोच द लिमिटिंग पॉइंट, जो कि लिमिटिंग पॉइंट क्या है, दिस वन जीरो जीरो। देन वी हैव, वी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे तो हमारा एक्स के जगह पे वाई क्यूब एंड दिस वन वाई क्यूब ऑल्सो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर सिक्स हो जाएगा। देन सॉरी एक्स क्यूब ना, क्यूब का क्या होगा यहाँ पे, दिस वन स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू y क्यूब था, यहाँ पे x स्क्वायर है दिस वन, देन तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे y टू द पावर 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये y टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो क्या होगा, y टू द पावर 6 यहाँ पे कॉमन आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बचेगा 1, बाई में क्या 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो जैसे ही हम लिमिटिंग लगाते हैं, लिमिट क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं, तो y टेंड्स टू 0, ठीक है। एंड क्या 1/2, तो वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा था, हमारा 0 आ रहा था, सेकेंड में देख रहे हैं कि 1/2 आ रहा है, मतलब क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या होगा, सिमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस द लिमिट ऑप्टेन बाय टू डिफरेंट पार्ट, पाथ बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, आर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, देयरफॉर सिमल्टेनियस लिमिट, द सिमल्टेनियस लिमिट does not exist. Consequently, the function is also क्या होगा, not continuous. Not ये क्या होगा, continuous नहीं होगा, ठीक है। बस language दिखना था। Now, by putting, क्या करना है कि अलग अलग से बोल दिया ना, but that the function is continuous x alone and y alone, अकेला अकेला continuous होगा, तो बस इसके बारे में लिखना है, लिखेंगे now by putting either, एक मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, मान लेते हैं x, ठीक है, इधर वेरिएबल जो है वो जीरो है, एक को माने x मान लिए कि जीरो है, एंड देन लेटिंग और लेट कर लेते हैं द अदर वेरिएबल जो होगा, दूसरा वेरिएबल जो कि y है, वो क्या होगा, अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, अप्रोचेस टू जीरो की ओर वो अप्रोच कर रहा है, एक को मानते हैं जीरो है एक वेरिएबल, दूसरा को मानता है वो अप्रोच कर रहा है, जीरो अप्रोच कर रहा है, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, we get the limiting value जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, limiting value obviously जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर x मान लिए जीरो, y मान रहे हैं कि जीरो की ओर जा रहा है, मतलब y tends to जीरो, जहां जहां y होगा वहां जीरो हो जाएगा, x मान लेते हैं जीरो और y मान लेते हैं कि जीरो की ओर जा रहा है, जीरो जीरो पूरा completely value जो होगा वो जीरो ही माना आ जाएगा, ठीक है। तो वही हो गया, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, बोल सकते हैं विच इज वैल्यू ऑफ, विच इज
value of kya f of 0 0 this one theek hai hence the function niche dikh raha hai na the function nahi to mera awaaz sun ke likhi hence the function yahan pe likh raha hai f of x y is continuous continuous in kya hoga x alone and in y alone बस यही लिखना था दिस इज द थ्योरम जो कि थ्योरम एग्जाम में पूछा गया था तब 10 मार्क्स का पूछता था अब आप लोग का 8 मार्क्स में पूछेगा ठीक है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।